देश में 21 मई को राजीव गांधी के बलिदान दिवस से कोरोना के मुकाबले के लिए नई कार्य योजना पर काम शुरू होगा। इस दौरान कांग्रेस संगठन की तरफ से सेवा कार्यों को गति दी जाएगी। इसे लेकर आज कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत के साथ प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस पहल को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी योगेश शर्मा ने। राजस्थान की कांग्रेस और राजस्थान का संगठन और सत्ता दोनों ही मिलकर कोरोना महामारी से मुकाबला कर रहे हैं। लगातार इस मुकाबले को लेकर ही कांग्रेस पार्टी सत्ता और संगठन की बैठकें हो रही हैं, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई वर्चुअली, जिसके जरिए पूरे प्रदेश कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधि, प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट शामिल हुए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और आगे का पूरा रोड मैप बना। खास तौर से 21 मई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बलिदान दिवस है और उसी दिन से शुरुआत होगी। अभियान जो चलाया जाएगा वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होगा। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। आज जिस तरह बैठक हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह अभियान चलेगा? क्योंकि अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन एक गति देने के लिए नए सिरे से नए टास्क लिए गए हैं। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनका पुण्यतिथि 21 नवंबर को आती है, जिसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने इस कोरोना काल में लोगों की बढ़ चढ़ करके मानवता की सेवा करने और संक्रमण होने से बचाने के लिए हम सबको निर्देश दिए प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, जिसके संदर्भ में आज अजय माकन जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पीसीसी के तमाम पदाधिकारी, एमएलए और तमाम कांग्रेस के नेता जुड़े और ये तय किया गया कि 21 तारीख को हम लोग बड़े पैमाने के ऊपर बलिदान दिवस के अवसर के ऊपर ज़िला, ब्लॉक और स्टेट लेवल के ऊपर तमाम एमएलए और संगठन के लोग और जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो 10 लाख से अधिक मास्क बांटेंगे। जो एमएलए लेड से या अन्य बजट से हम लोग जो पीएससी सीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के काम करेंगे, जो गरीब जिनको कहीं तकलीफ़ है फूड की, वहाँ पर हम फूड बांटने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और एम्बुलेंस वगैरह एमएलए लेड से देंगे, सीएससी में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हो या वेंटिलेटर हो या दूसरे कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर देने की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें जिससे इस कोरोना संक्रमण को रोक सके और लोगों की जान बचा सके, इस दिशा में हम लोग एक पूरी कार्य योजना के साथ में आगे बढ़ेंगे और 21 तारीख को तमाम पूरे प्रदेश में और ये हम लोग सेवा के संकल्प के साथ में उतरेंगे। एक जो सबसे बड़ा सवाल अभी भी वो कायम है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, चाहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो कि लगातार वैक्सीन की कमी के कारण डिले होता जा रहा है, दूसरी डोज भी अब लोगों को समय से नहीं मिल पाएगी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वैक्सीन में भारत सरकार पूरी तरीके फेल है। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो कोरोना सेकेंड वेव आएगी इसका अंदाज़ा लगा सके और नए वैक्सीन के ऊपर उनका कंट्रोल था, नए ये वैक्सीन विदेशों से कब एमओयू करके बनी ये देश के प्रधानमंत्री ने इसको कहीं भी किसी देश के लोगों को कभी भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि 90% वैक्सीन जो ये हमारे यहाँ जो सीरम वगैरह हैं वो विदेशों को देने के लिए बाध्य हैं एमओयू के तहत, तो 10% ही हम लोगों को रहेगी। और इन वैक्सीनों को बनाने में या जहाँ से भी ये लाएँ उसमें भारत सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। जब 3,500 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा और उसके बाद में न तो निर्माता कंपनियों को दिया गया, न दूसरी कंपनियों को निर्माण के लाइसेंस दिए गए, और विदेशों में वैक्सीन जा रही थी, हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इस मामले में फेल हुई है भारत सरकार और मोदी जी की सरकार। और दूसरा, ऑक्सीजन और दवाइयों के ऊपर उन्होंने एक तरीके से अधिग्रहण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और आज जैसे हमको 795 मेट्रिक टन के लगभग ऑक्सीजन
ऑक्सीजन चाहिए जो हमारे संक्रमित हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, लेकिन 360, 365, 367, 368 के लगभग मेट्रिक टन ही हमको उपलब्ध हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि, और वो भी ऐसी ऐसी जगह 1700, 1700, 1500, 1500 किलोमीटर से वो कहते हैं वहाँ से ले आइए, तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तो लाने ले जाने में लग जाएंगे। ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो हमारे पास में नहीं है, वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो पूरी तरीके से भेदभाव भी किया जा रहा है और पूरी तरीके से वो विफल भी रही है इस कोरोना को रोकने में। राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है और खुद प्रधानमंत्री जी जो बढ़ चढ़ करके रात को 8 बजे देश को संबोधन करते थे, वो आजकल मन की बातें करते हैं। देश को संबोधन अब प्रधानमंत्री जी को ये करना चाहिए कि वैक्सीन मैं इतने दिन में तमाम भारत के लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। आम आदमी और जो मरीजों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और अब तूफान की संभावनाएं और विचलित करने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट पवन मूर्तिकार के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।